अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आने वाले दिनों में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस अपलोड करूं इस चैप्टर के रिलेटेड, उस तमाम के तमाम आपको इसी सेम प्लेलिस्ट में आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरे फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम इसके ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पर मेंशनड है राउंड ऑफ और आगे एक नंबर दिया गया है जिसको मैं पाकिस्तानी वे में पढ़ रहा हूँ, 6,98,352। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने इस नंबर को राउंड ऑफ करके दिखाना है टू दी नियरेस्ट, नियरेस्ट किसके नियरेस्ट, ए पार्ट में लिखा हुआ है 10, यानी नियरेस्ट 10 आपने इस नंबर को राउंड ऑफ करके दिखाना है। इसी तरीके से बी पार्ट में हम देखें 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने इसी सेम नंबर को नियरेस्ट 100 भी राउंड ऑफ करके दिखाना है। फिर सी पार्ट में आप देखें लिखा हुआ है 1000, तो इसका मतलब है आपने इसी नंबर को नियरेस्ट 1000 भी राउंड ऑफ करके दिखाना है। और आखिरी पार्ट में 10,000 मेंशन है, जिसका मतलब है आपने इसी सेम नंबर को नियरेस्ट 10,000 भी राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो राउंड ऑफ हम करते क्यों है, अक्सर औकात हम नंबर्स को राउंड ऑफ इसलिए करते हैं ताकि वो और भी सिंपलर नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए, जिनको कैलकुलेशंस में यूज करना, सॉल्व करना और भी आसान हो जाए। कभी कभार राउंड ऑफ करने से बहुत थोड़ा सा, बहुत माइनर सा एक्यूरेसी का फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन आपके नंबर्स राउंड ऑफ करके तब भी आपके डिजायर्ड वैल्यू के करीब करीब रहते हैं, तो आप उनको आसानी से सॉल्व और एस्टिमेट वगैरह कर सकते हैं। तो इसीलिए हम राउंड ऑफ बेसिकली कर रहे होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ए वाले पार्ट से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस नंबर को यहां पर लिख लूंगा। तो मैं इस नंबर को यहां पर लिख लेता हूं, ये हमारे पास नंबर है 6,98,352। आप देख सकते हैं इस नंबर में टोटल कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं। तो आपको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि इस नंबर में जो डिजिट्स हैं इसमें से कौन सा डिजिट्स किस प्लेस पर है, कौन सा डिजिट हम कहेंगे कि यूनिट प्लेस पे है, कौन सा डिजिट हम कहेंगे टेंथ प्लेस पे है, कौन सा हंड्रेड प्लेस पे है। पहले आपको ये मार्क कर लेना है, जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी फिर आपको राउंड ऑफ करना और आसान भी लगेगा और आपको राउंड ऑफ अच्छे से समझ भी आ पाएगा। तो ये सारी चीजें हम अर्ली क्लासेस के अंदर सीख चुके हैं। तो जब भी इस तरह आपके पास नंबर लिखा हुआ है जो कि एक होल नंबर है, आपने बिल्कुल देखना है कि वो नंबर कहां पर खत्म हो रहा है, कहां पर स्टॉप कर रहा है, या आप कह लें एक्सट्रीम राइट पर आपने देखना कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, वहां से हम हमेशा इसको मार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो इस नंबर को आप देखें तो ये खत्म हो रहा है यहां पर 2 पर, तो यही एक्सट्रीम राइट बनता है। तो आपने यहां से देखना है कि यहां पे कौन सा डिजिट लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है आपके पास 2, तो ये जो इसका लास्ट डिजिट है 2, इसको हम बोलेंगे कि ये वाला जो डिजिट है ये बेसिकली यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है, और यूनिट को हम रिप्रेजेंट करेंगे यू के साथ, इसको आप वंस प्लेस भी कह सकते हैं। तो जो बिल्कुल लास्ट डिजिट होगा इस तरीके से होल नंबर की कैटेगरी में, आप कहा करेंगे कि यूनिट प्लेस पर है। अब इस 2 से आप आगे चलते जाए लेफ्ट की तरफ, तो देखें 2 के आगे आ रहा 5, तो यूनिट से अगली जो प्लेस होती है उसको हम बोलते हैं टेंथ प्लेस। तो यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है डिजिट, ये बेसिकली लिखा हुआ है टेंथ प्लेस के ऊपर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी के साथ। अब 5 से आगे जाए लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे लिखा हुआ 3, तो टेंथ से आगे जो प्लेस होती है उसको हम बोलते हैं कि ये होती है 100 प्लेस। तो ये जो 3 डिजिट लिखा हुआ है ये बेसिकली 100 प्लेस पे लिखा हुआ है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज के साथ। तो आगे 3 की जाएं बिल्कुल लेफ्ट साइड पर, तो देखें 8 लिखा हुआ है, तो 100 से आगे जो प्लेस होती है उसको हम बोलते हैं 1000 प्लेस। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा TH और आगे डॉट डाल दूंगा, जिसका मतलब है 1000 प्लेस। अब 8 के आप आगे जाएं लेफ्ट की तरफ, तो आपके पास लिखा हुआ है 9, तो 9 कौन सी प्लेस पे लिखा हुआ है, 1000 प्लेस से अगली प्लेस होती है, आप इसको पढ़ते हैं 10,000 प्लेस। तो 10 और आगे 1000, T for 10 और आगे TH लिख दिया, इसका मतलब 1000। और जो लास्ट आपके पास यहाँ पे डिजिट है 6, ये आपके पास लिखा हुआ है 100,000 प्लेस पर। तो 10,000 के बाद जो अगली प्लेस होती है उसको हम बोलते हैं 100,000, H for 100 और TH for 1000। इसको पाकिस्तानी सिस्टम में हम 1 लाख भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक कर रहे हैं, तो 1 लाख को यहाँ पे हम लिखेंगे 100,000। ठीक है, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं लेकिन सिस्टम दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने इन तमाम डिजिट्स को मार्क कर लेना है कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पे बनता है। अब हम अपने ए पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। तो देखिए ए पार्ट में लिखा हुआ टेंस, यानी आपने इस नंबर को नियरेस्ट 10 जो है राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो 10 से ही आप याद रखें कि आपने पहले देखना है कि आपके टेंथ प्लेस पर कौन सा डिजिट है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके टेंथ प्लेस पर डिजिट कौन सा बनता है, तब तक आसानी नहीं होगी। तो आप देखें ये 2 है यूनिट प्लेस पर और 5 है टेंथ प्लेस पर। तो देखिए 5 है वो डिजिट जो कि टेंथ प्लेस पे है। तो जब आपको वो डिजिट मिल जाए जो कि आपकी रिक्वायर्ड प्लेस के ऊपर है, क्योंकि नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है तो नियरेस्ट 10 प्लेस वाला नंबर देखना है, तो उसका मतलब है टेंथ प्लेस वाला जो आपके पास डिजिट है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर टेंथ प्लेस पर लिखा हुआ 5, तो आपने उस डिजिट के नीचे इस तरीके से लाइन लगा लेनी है, यानी ये हमारा इंपॉर्टेंट डिजिट है। अब अगला स्टेप
क्या होगा, ये स्टेप नंबर वन हो गया। अब जो आपने वो डिजिट ढूंढा है जो कि टेंथ प्लेस पे है, उसके आपने राइट पे देखना कौन सा डिजिट पे है, उसके राइट पे देखना आपने कौन सा डिजिट है। जैसे आप देखें इस 5 के राइट पर कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, 2, आपने इसको सर्कल कर लेना है। तो ये हमने इसको सर्कल कर लिया। अब ये सर्कल किया हुआ डिजिट इंपॉर्टेंट है, इसके मुताबिक ही हम अपना राउंड ऑफ को कंप्लीट करेंगे। तो आपने रूल बस ये याद रखना है कि अगर ये सर्कल किया हुआ डिजिट 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, या तो ये ग्रेटर देन 5 हो, या तो ऐसा हो, या फिर आप कह लें ये 5 ही हो। तो अगर ये नंबर या ये आप कह लें डिजिट 5 है या ग्रेटर देन 5 है, दोनों सूरतों में आपने इस अंडरलाइन वाले डिजिट में 1 ऐड कर देना है। यानी अगर आपका सर्कल किया हुआ डिजिट 5 है या 5 से बड़ा है, तो इसके जो पीछे यहां पे डिजिट लिखा हुआ है 5, इसमें आपने 1 ऐड कर देना है। और अगर ये वाला सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो आपने इस अंडरलाइन किए हुए डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करना, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। ये आपके पास रूल है जो कि आपने इन बाकी तमाम पार्ट्स में भी फॉलो करना है। अब क्योंकि हमारे पास जो सर्कल किया हुआ डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो अगर 5 से छोटा है तो इसके पीछे यहां पर जो लेफ्ट पर डिजिट लिखा हुआ 5, जिसके नीचे मैंने लाइन भी लगाई है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप स्टार्ट से लेके यहां तक ये सारी चीजें सेम टू सेम उतारेंगे, सेम टू सेम डिजिट्स के साथ, यानी 6, ये 9 भी वैसे का वैसे, ये 8 भी वैसे का वैसे, ये 3 भी वैसे का वैसे, और ये जो 5 है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आना, ये भी वैसे का वैसे। अब इस 2 का क्या करेंगे जिस पे ये आपने सर्कल किया हुआ है, याद रखिएगा होल नंबर के सिनेरियो में, होल नंबर वाले केस में, क्योंकि ये होल नंबर है, इस सर्कल किए हुए डिजिट की जगह पर आप 0 लिखेंगे खुद से प्लेस होल्डर के तौर पर। तो आपने इस 2 की जगह पर हमेशा क्या लिख देना है, 0। इस तरीके से आपने इसको राउंड ऑफ कर लिया नियरेस्ट 10 में। अब याद रखिएगा जो आपका आंसर आया उसमें भी 6 डिजिट है, जो ओरिजिनल नंबर है उसमें भी 6 डिजिट है, तो आप इस सर्कल किए हुए डिजिट को इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि सर्कल किए हुए डिजिट की जगह पर प्लेस होल्डर के तौर पे हमेशा 0 लिख देंगे। अब आगे डेसिमल वाले केस भी आएंगे, उसमें भी मैं आपको समझाऊंगा, वहां पे भी प्लेस होल्डर का कहीं ना कहीं आपका रोल आएगा, कुछ ना कुछ ओमिट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ 0 वहां पे लिखना पड़ेगा। लेकिन होल नंबर के कैटेगरी में ये आपने याद रखना, इस तरह आपके पास होल नंबर हो, इस तरह कुछ सर्कल किया हुआ डिजिट बच रहा एंड पे, तो उसकी जगह पर आपने प्लेस होल्डर के तौर पर लाजमी 0 लगा देना। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब करते हैं इसका बी पार्ट। तो मैं ये जो वर्किंग है इसको यहां से रिमूव कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। तो यहां पे मैंने ये वर्किंग क्या कर दी, रिमूव कर दी, ओके। अब हम बी पार्ट को देखते हैं। तो आइए बी पार्ट देखते हैं। तो देखिए बी पार्ट में लिखा हुआ है आपने इसी सेम नंबर को नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करके दिखाना है। अब क्योंकि नियरेस्ट 100 कहा गया है, तो आपने देखना है आपके 100 प्लेस पर कौन सा डिजिट है। तो ये 2 है यूनिट प्लेस पर, 5 है टेंथ प्लेस पर, और 3 है आपके पास 100 प्लेस पर। तो आपने इसके नीचे इस तरीके से एक लाइन लगा देनी ताकि आपको याद रहे ये वाला आपका 100 प्लेस पर डिजिट है। अब जो आपने लाइन लगाई है इस डिजिट के बिल्कुल राइट पर देखना कौन सा डिजिट है। तो आप इस नंबर के राइट पर देखें तो आपके पास जो डिजिट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 5। और मैंने आपको अभी रूल यहां पर बताया है कि अगर ये सर्कल किया हुआ डिजिट 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, दोनों केसेस में इसके जो पीछे यहां पे डिजिट लिखा हुआ है जिसके नीचे आपने लाइन लगाई हुई है, आपने इसमें 1 ऐड कर देना है। और अगर ये 5 से छोटा होता तो इसको वैसे ही छोड़ देते जैसे हमने ए पार्ट में आपको करके भी दिखाया। तो अब यहां पर जो सर्कल किया हुआ डिजिट है क्योंकि 5 है, तो 5 या ग्रेटर देन 5 के केस में इस पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड करते हैं, तो हम भी यही कर देंगे। तो बी पार्ट में क्या होगा, बाकी तमाम डिजिट्स वैसे के वैसे ही आएंगे। जैसे यहां 6 से स्टार्ट हो रहा है आपका नंबर, तो 6 वैसे का वैसे ही, 9 वैसे का वैसे ही, 8 वैसे का वैसे ही। तो इसमें चेंज आएगा यहां पे, अब 3 क्या हो जाएगा, इस 5 की वजह से इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4। अब इस सर्कल किए वाले डिजिट का क्या करें, तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो सर्कल किए हुए डिजिट है इसकी जगह पर आपने प्लेस होल्डर के तौर पे 0 लगा देना है। तो हम इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, 0। अब इसके आगे भी एक डिजिट आ रहा है उसका भी क्या करें, तो याद रखिएगा उसको भी आपने 0 कर देना है। तो हम इस 2 को भी क्या कर देंगे, 0। तो जहां तक आप राउंड ऑफ कर रहे होते हैं वहां तक तो सारी चीजें वैसे ही चलेंगी। जैसे आपने 100 प्लेस यहाँ पे जो है ना हाईलाइट करी, इस 3 के नीचे अंडरलाइन किया, तो इसमें तो चेंजेस आनी आनी थी। तो देखिए 3 तो क्या आ गया, 4। और अगर चेंज ना आती तो तब भी ये वैसे रहता, लेकिन यहां तक ही सब चीजें आप चेक करते। इसके बाद वाले जो डिजिट्स हैं उनमें आपको प्लेस होल्डर वाला कंसेप्ट यूज करना है, यानी उनकी जगह पर आपने क्या लगा देना है, 0। तो देखिए 5 की जगह पे भी 0 आ गया और इस 2 की जगह पे भी 0 आ गया। तो ये हमने बेसिकली इस बी पार्ट में भी इसको राउंड ऑफ कर लिया। अब ये मैं वर्किंग जो है यहां पर जो है इसको रिमूव कर देता हूं, और अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट यानी सी पार्ट, ठीक है। तो अब सी पार्ट को देखते हैं। तो सी पार्ट में देखें आपको कहा गया आपने नियरेस्ट 1000 जो है ना इस नंबर को राउंड ऑफ करके दिखाना है। तो आपने पहले ये देखना है कि आपके जो तमाम डिजिट्स हैं इसमें से कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि नियरेस्ट 1000 के लिहाज से कॉरेस्पॉन्ड करेगा, जो कि 1000 प्लेस पर लिखा हुआ है। तो ये यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है 2, ये टेंथ प्लेस पे लिखा हुआ है ये 100, और ये 8 जो है ये बेसिकली आपके पास 1000 प्लेस पर लिखा हुआ है। तो इसके नीचे आप लाइन लगा लें,
और जिस डिजिट के नीचे आप लाइन लगाएंगे इसके राइट वाले डिजिट को देखेंगे। तो इसका अगर राइट वाला डिजिट है उसको आप सर्कल कर लें जो कि 3 है। अगर ये डिजिट 5 होता या 5 से बड़ा होता तो इसके पीछे वाले डिजिट जिसमें नीचे आप लाइन लगाइए 8, इसमें आप 1 ऐड कर देते। अब क्योंकि ये वाला सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से छोटा है तो इसके पीछे वाले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 6 को वैसे का वैसे, इस 9 को वैसे का वैसे, क्योंकि यहाँ पे सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से छोटा है तो 8 में कोई भी चेंज नहीं आना, तो 8 भी वैसे का वैसे। अब इनका क्या करें, अब अगेन प्लेस होल्डर वाला कंसेप्ट, तो इस सर्कल किया हुआ डिजिट को भी आप 0 लिख देंगे और इसके आगे वाले भी तमाम डिजिट को आप 0 बना देंगे। तो 5 की जगह पे भी 0 और 2 की जगह पे 0, ये प्लेस होल्डर के तौर पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया इसका सी पार्ट। अब इसकी भी वर्किंग यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि है 10 पार्ट, सॉरी डी पार्ट। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हमने क्या करना है। तो देखिए डी पार्ट में लिखा हुआ है, अब आपने इस नंबर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10,000। अब आपने ये देखना है कि आपके जो डिजिट्स हैं इसमें कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि 10,000 प्लेस पर है। देखिए ये 2 यूनिट प्लेस पे था, ये 10 पे, ये 100 पे, ये 1000 पे और ये 10,000 प्लेस पे था। तो इसके नीचे आप इस तरीके से लाइन लगा दें। अब आपने इस डिजिट के राइट पे देखना कौन सा डिजिट है, उसको सर्कल कर देना। इसके राइट पे आप देखें जो डिजिट है वो है 8, और 8 एक ऐसा डिजिट है जो कि 5 से ग्रेटर है। तो अगर इस सर्कल किया हुआ डिजिट 5 होता या 5 से ग्रेटर होगा तो इन दोनों सिनेरियो में आपको पता है इसका जो पीछे डिजिट लिखा होगा जिसके नीचे आपने लाइन लगाई होगी उसमें आप 1 ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे सर्कल किया हुआ डिजिट 5 से बड़ा है तो इस 9 में क्या ऐड करेंगे, 1। अब ये 9 वाले केस को आप ध्यान से समझिएगा। अब 9 में जब आप 1 ऐड करेंगे, इसको समझने के लिए आप इस तरह देखें, तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो इस 10 का जो ये 0 है ना, ये वाला 0, ये आप इस 9 की जगह पे लिख देंगे। यानी हम यहाँ पे डी पार्ट में लिखेंगे कि ये जो 9 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। और ये जो एक्स्ट्रा 1 होता है ना, याद रखिएगा ये इसके पीछे डिजिट में ऐड हो जाता है। यानी 9 के जो पहले डिजिट आ रहा है इसके लेफ्ट पर 6, उसमें ये 1 ऐड हो जाएगा। तो 6 प्लस 1 कितना होता है, वो होता है 7। तो आप इसको लिखेंगे 7। यानी एक तरह का समझने के लिए जैसे कह रहा हूं, ये 69 क्या बन गया, 70। तो जब भी 9 वाला केस आए तो 9 को आप 10 बनाया करेंगे, तो 9 की जगह पर 0 और वो जो एक्स्ट्रा 1 है 10 का, वो उससे भी पीछे डिजिट में आप ऐड कर दीजिएगा। जिस तरह 6 है तो इसमें आपने 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 7। अब ये सर्कल वाला डिजिट और बाकी तमाम डिजिट प्लेस होल्डर के तौर पर यूज होंगे, इनकी जगह पर आपने हमेशा 0 कर देना है। तो 8 की जगह पर क्या आ जाएगा, 0। 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, 0। 5 की जगह पर क्या आ जाएगा, 0। और 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपने अपने इस गिवन नंबर को नियरेस्ट 10,000 तक राउंड ऑफ कर दिया। तो ये हमने इस तरीके से इनको मैनेज करना है। आपने ये रूल्स याद रखने हैं, खासतौर पे प्लेस होल्डर वाला कंसेप्ट याद रखना है। याद रखिएगा होल नंबर के केस में जब इस तरह आप राउंड ऑफ किया करेंगे, आपके डिजिट जो है वो मैच करने चाहिए। आपको जो गिवन डिजिट था उसमें 6 डिजिट थे, और देखिए राउंड ऑफ करके भी आपके पास तमाम जो डिजिट्स यहाँ पर आ रहे हैं इन तमाम नंबर्स में, वो 6 ही आ रहे हैं। तो अगर आप प्लेस होल्डर वाला कंसेप्ट छोड़ देंगे या उसको जो है यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके डिजिट्स कम या ज्यादा हो जाया करेंगे। ये भी आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें डेसिमल वाले नंबर्स भी हैं, तो उसके अंदर आपको ये चीज और भी क्लियरली समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको यहां तक ये बात क्लियर होगी, ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।